नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो के जो फ्यूचर की प्राइस है फ्यूचर प्राइस उससे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो उस फ्यूचर प्राइस से अक्स करते हैं एक्सपेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को कि जो फ्यूचर में स्पॉट प्राइस होगा किसी भी कमोडिटी का उसके वैल्यू क्या होंगे तो बेसिकली दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम द फ्यूचर प्राइस एज ए सेट अर्लियर कि जो फ्यूचर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है वो स्पॉट प्राइस से एसोसिएटेड है अप है तो इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए इसी लिंक को इस्तेमाल करते हुए व्हाट द फाइनेंशियल एनालिस्ट डू इज कि वो फ्यूचर की जो uh, किसी भी कमोडिटी की जो फ्यूचर प्राइस है वहाँ से फ्यूचर में स्पॉट प्राइस क्या होगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी का उसके बारे में वो इंफॉमेशन को कलेक्ट करते हैं या डिराइव करते हैं और वहाँ से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इसी कमोडिटी का फ्यूचर में स्पॉट प्राइस क्या होगा एंड फॉर दैट मैटर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कुड बी टू पॉसिबिलिटीज दो केसेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए नंबर वन के आप एक ऐसी सिचुएशन के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फ्यूचर में स्पॉट प्राइस क्या होगी जब आपके पास स्टोरेज में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास स्टोरेज में चीज़ें मौजूद हैं और फिर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि फ्यूचर में स्पॉट प्राइस क्या होगा राइट right? तो इस पर्टिकुलर इंफॉमेसन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे वी विल टेक एन एग्जाम्पल के सपोज हमारे पास हम कोई जो कमोडिटी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और फ्यूचर प्राइस का को अंदाज़ा लगा रहे हैं वो कमोडिटी वीक है और हम एज्यूम करें इन केस वन के हमारे पास वीट स्टोरेज में मौजूद नहीं है अब इस केस में क्या होगा कि अगर वीट स्टोरेज में मौजूद नहीं है तो इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं वी आर आउट राइट और स्टॉक आउट के केस में हम इस पर्टिकुलर इनिक्वालिटी को बेंच करेंगे इसको ही हम फॉलो करेंगे और ये क्या कह रही है वो इनक्वालिटी कहती है कि जो आपका स्प्रेड है आपके पास स्टॉक नहीं है तो तब आपने अंदाज़ा लगाना है कि फ्यूचर में स्पॉट प्राइस क्या होगा उस अंदाजे को लगाने के लिए आप इस पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट इनकॉलिटी को एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे और ये क्या कह रही है ये कह रही है कि जो स्प्रेड है यानी कि फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस अभी की स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस है इट शुड बी स्मॉलर देन द कॉस्ट ऑफ कैरी क्या कॉस्ट ऑफ कैरी इज कैपिटल सी इन दिस इनकॉलिटी सो कॉस्ट ऑफ कैरी से उसको छोटा होना चाहिए ओनली देन यू विल गो फॉर द असेसमेंट ऑफ़ द स्पॉट प्राइस इन फ्यूचर और जो आपकी फॉर्वर्ड प्राइस है ये इस केस में हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रही है कि जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट प्राइस है दैट विल दैट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेबल फ्रॉम द करंट स्पॉट प्राइस बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये इनक्वालिटी को फॉलो करके हम अपने डिसीजन ले रहे हैं कि हमारा हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए बट दिस सिचुएशन इज नॉट टेलिंग यू एनी थिंग अबाउट फ्यूचर स्पॉट प्राइस ऑन द कॉन्ट्ररी देर कुड बी अ सेकेंड पॉसिबिलिटी जहाँ हम कह रहे हैं हमारे पास व्ही स्टोरेज में रखा हुआ है और अब हमें अगर अंदाज़ा लगाना है कि हमारा जो फ्यूचर का स्पॉट प्राइस क्या होगा तो वो इंफॉर्मेशन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन है वो प्योरली प्योरली डिपेंड करती है इस पर्टिकुलर इक्वालिटी पे विच इज स्प्रेड इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैरी तो इस सिचुएशन में जब आपके पास इज इन स्टोरेज है तो फॉरवर्ड प्राइस इज स्पेसिफाइड बाय नोइंग द कॉस्ट ऑफ कैरी एंड द स्पॉट प्राइस तो आपके पास अभी मौजूद है स्टॉक में व्हीट इसके ऊपर आपको कितना खर्च आएगा इसको एक माह या जितना भी आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है आप एस्टीमेट करना चाहते हैं उसके ऊपर टोटल खर्च कितना आएगा आप उसको अकाउंट फॉर करके अपने एफ माइनस एस की इक्वेशन में पुट करके आप उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं और यहाँ से आपको फ्यूचर की कीमत के बारे में तयन करने में मदद मिल जाएगी सो यू कैन फाइंड आउट एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर द स्पॉट प्राइस इन फ्यूचर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वालिटी बट इफ़ यू डू नॉट हैव एनी स्टॉक्स तो कॉस्ट ऑफ कैरी कितना आएगा उसके बारे में आप असेसमेंट्स लगा सकते हैं आपके पास एग्जैक्ट पैमाना नहीं हो सकता लिहाजा यू विल नॉट बी एबल टू कम अप विद अ वेरी एक्यूरेट और स्पेसिफिक गेस अबाउट द स्पॉट प्राइस इन फ्यूचर